बहरोड़ कस्बे के पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत नित्यानंद भारद्वाज महाराज को सोमवार को कार्यभार से मुक्त किया गया। उनकी विदाई समारोह को बड़े धूमधाम से मनाया गया। महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन धर्म के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित किया है। महंत रामानंद महाराज ने बताया कि महंत नित्यानंद भारद्वाज कई दशकों से मंदिर व्यवस्था और सेवा संभाल रहे थे और उनके कार्यकाल में मंदिर में बहुत विकास हुआ है। नित्यानंद भारद्वाज सदैव जनसेवा को तत्पर रहते थे। नित्यानंद महाराज के विदाई समारोह के अवसर पर रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा का अनेक जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत सम्मान किया गया, साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया गया। इसी दौरान क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, जो श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर है, इसकी जो स्थापना है आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व कांकर छाजा आश्रम के जो श्री महंत थे, ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु श्री सागरानंद जी महाराज ने की थी। उन्होंने इस मंदिर का संपूर्ण कार्यभार, संपूर्ण सेवा का कार्य, पूरी व्यवस्थाओं का जो दायित्व है वो स्वामी नित्यानंद जी महाराज जी को दिया था। और तब से लेकर नित्यानंद भारद्वाज जी महाराज जो हैं, अपनी पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ उन्होंने इस मंदिर में पूरा अपना सेवा दिया है, और जिसके फलस्वरूप हनुमान जी महाराज और गुरु महाराज की उन पर विशेष कृपा हुई है। आज उम्र के होने की वजह से और स्वेच्छा से श्री नित्यानंद जी महाराज जी ने आज जो है 4 जनवरी 2021 को अपना सेवा काल जो है पूर्ण किया है, और आज उनका जो है सेवा कार्य निवृत्ति का ये उत्सव मनाया जा रहा है। इसके अंदर सुबह से ही भंडारे का आयोजन किया गया और तमाम लोगों ने यहाँ भोजन प्राप्त किया है, भोजन खाया है, और अब यहाँ से जो है महाराज जी की शोभा यात्रा जो है उनके निवास